गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऊना में भी इसको लेकर सिख श्रद्धालुओं ने आनंदपुर साहिब और सुल्तानपुर लोधी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय पकौड़ों का लंगर लगाया गया। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऊना में भी इसको लेकर सिख श्रद्धालुओं ने श्री आनंदपुर साहिब और सुल्तानपुर लोधी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय पकौड़े का लंगर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में 550 से प्रकाश उत्सव में जाने वाले श्रद्धालुओं ने ये लंगर खाया। ये लंगर सिख श्रद्धालुओं द्वारा लगाया गया। इनकी माने तो ये एक बहुत बड़ा पर्व है। मालिक ने उन्हें सेवा का मौका दिया है और वे संगतों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। असी संजोगढ़ के रस्ते आनंदपुर साहब जा रहे थे तो बस अड्डे सामने सानू गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश दिवस से पकौड़े चाह का लंगर लग्या मिलिया। असी उस लंगर को खूब इंजॉय किया। जिन्हें भी साढ़े नाल सारे साथी थे उन्हें पकौड़े खाधे चाह पीती और साथ ही पानी पुनी का पूरा इंतजाम था। और इदां दा लंगर असी देखिया नहीं और बहुत ही रश था। असी साध संगत जी संगोगढ़ सानू पता लगा उन्होंने गुरुद्वारे साध संगत लाया गया। असी उन्होंने बहुत शुक्रगुजार है कि उन्हें इन्ने बड़े एफर्ट्स किए। थानू इस लंगर की कितनी खुशी हुई जो तुसी रास्ते विच देखिया लग्या होया? सानू इस लंगर की बहुत खुशी हुई क्योंकि धुप तेज होने के बावजूद भी पानी ठंडे पानी का इंतजाम सी और जिसने चाह पीनी बुजुर्ग ने जो चाह ले भी तो सब कुछ मतलब बढ़िया था लंगर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जगत गुरु पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के 550 साल पुरब के संबंध में अज पिंड संतोहगढ़ की समूह संगत वालों उपराला किया गया। समूह संगत ने रल मिल के अज नवें बस स्टैंड के नंगल रोड से एक बहुत वधिया अज चाह पकौड़िया का अटे ब्रैड पीस का संगतां की शरदा अनुसार अज लंगर लाया गया। सवेर तो लैके 10 बजे तो लैके हुण तक लगातार लंगर चलता आ रहा, जिहदे विच हजारां श्रद्धालुआं ने अज बड़ी खुशी खुशी के नाल गुरु नानक पातशाह जी दा 550 साल दीआं खुशियां मनाईआं। हरेक ने चाह पानी जो भी तैयार किया गया संगतां वास्ते वह बड़े सुचजे ढंग के नाल अपनियां कारां स्कूटर मोटरसाइकिल रोक के हर एक ने अपने जो भी जन लंगर के बनया से हर एक ने बड़े खुशी खुशी के नाल अज वो ग्रहण किया। तो बड़ी खुशी है जो गुरु नानक पातशाह जी का 550 साल का गुरपुरब इतने ही नहीं साल वर्ड के बड़े धूमधाम के नाल बड़े खुशियां के नाल मनाया जा रहा है। तो असी भी ये उम्मीद करते हैं साढ़े पिंड की संगत वालों ऐन पूरे जोश के नाल हर्षोल्लास के नाल अज ये खुशियां भरिया 550 साल दिन जो मना रहा है। मैं समूह संगत का सेवादारा का सारे श्रद्धालुओं का जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस काम के हिस्सा पाया मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। अगे वास्ते भी यही आस करता हाँ कि साड़ी बेनती को प्रवान करते हुए समूह संगत साढ़े पिंड की समूह संगत इसी तरह सानू सहयोग दिंदी रहेगी ता कि असी जिन्ने भी अगले गुरपुरब है वो सारे चढ़ वाहेगुरु जी का खालसा। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।